रेलवे व उप जिलाधिकारी ने बिना मुआवजा दिए पक्के मकान का किया ध्वस्तीकरण। अरुणा देवी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण आज गढ़वा से चौपन की रेल लाइन का दोहरीकरण का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। वहीं रेलवे के विभागीय अधिकारी अपने मनमानी जबरदस्ती रवैये के कारण रेणुकूट में एक गरीब विधवा अरुणा देवी के कई कमरे के पक्के मकान को बिना मुआवजा दिए ध्वस्तीकरण कर दिया गया है, जिससे इस बारिश के मौसम में इनका पूरा परिवार बेबसी का आंसू बहा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पोकलेन व बुलडोजर की बड़ी बड़ी मशीनों को लगाकर विधवा अरुणा देवी के सपनों के आशियाने को ध्वस्त किया जा रहा है और पूरा परिवार सदमे में है। वही अब पूरा परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री के साथ रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी से अपनी जमीन मकान के मुआवजे की मांग कर रहे हैं, और अगर मुआवजा नहीं देंगे तो पूरे परिवार के साथ इच्छा मृत्यु की मांग प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति से कर रहे हैं। वही परिवार द्वारा रेलवे के काम को रुकवा दिया गया है, लेकिन जिस तरह से रेलवे के अधिकारी जबरदस्ती काम करवा रहे हैं उस तरह से काम करवाना कहीं न कहीं गैर जिम्मेदाराना है। ये है संविधान से चलने वाली उत्तर प्रदेश की ट्रिपल इंजन सरकार, जहां उपजिलाधिकारी द्वारा जबरदस्ती बिना नोटिस दिए जबरदस्ती विधवा अरुणा देवी के सपनों के आशियाने को ध्वस्त कर दिया गया, जो कि इनकी भूमिधरी जमीन है, जिसका बकायदा खसरा खतौनी सरकारी भूलेख में दर्ज है। जो कि इस सरकार का कहना है कि सरकार ना नोटिस ना समय गुंडई दबंगई तुरंत हमारी भूमिधरी जमीन में बने घर को पहले रेलवे ने गिराया और बिजली विभाग ने बचे हुए घर के ऊपर से 11,000 बोल्ट का तार जबरदस्ती ले गए, वो भी रेलवे के अधिकारियों व फोर्स के साथ। जिलाधिकारी सोनभद्र व पुलिस अधीक्षक सोनभद्र तथा उप जिलाधिकारी दुधी पुलिस चौकी रेणुकूट थाना पिपरी ने भी पीड़ित की बात को नहीं सुना, जबकि माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद में ये पूरा मामला विचाराधीन है। वही आपको बताते चले कि उप जिलाधिकारी दुधी को अपना चार्ज लिए लगभग 15 दिन भी नहीं हुआ, लेकिन आज दिनांक 24/08/2023 को हमारे परिवार को धमकी देकर उन्होंने पहले मकान गिराना अत्यावश्यक समझा, कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। उसके बाद इन लोगों के द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया कि पीड़िता के पति की अचानक मौत हो गई। उपजिलाधिकारी दुधी के आदेश से अरुणा देवी की भूमिधरी जमीन में बना चार कमरों का पक्का मकान जबरदस्ती तोड़ दिया गया है, जबकि इस जमीन का मुकदमा हाईकोर्ट इलाहाबाद में चल रहा है, जिसमें माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। आम आदमी किससे गुहार लगाए, ये यहां के स्थानीय उपजिलाधिकारी दुधी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पूरे परिवार को धमकाया जा रहा है। वही पीड़ित पक्ष द्वारा उपजिलाधिकारी दुधी को हमारे पास मौजूद सभी साक्ष्य दिया भी गया है, परंतु रेलवे के अधिकारी व दुधी तहसील के राजस्व कर्मियों द्वारा अधिकारियों को बरगला कर गलत तथ्यों को पेश किया जा रहा है, जिससे यहां के गरीब आदिवासी मजदूरों के साथ साथ स्थानीय निवासी भूमिहीन हो रहे हैं। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। दुधी के द्वारा मोटा पैसा लिया गया रेलवे के विभाग से और कॉन्ट्रेक्टर के विभाग से, जिस वजह से हमारा भूमि 4 महीने से माननीय हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मैं अपनी जमीन अपना घर कोई गिरा सकता है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कह रहे हैं, और वो सबको आश्वासन दे रहे हैं कि सबके सर के ऊपर छत होगा, और यहाँ हमारा घर गिराया जा रहा है। परसों माननीय SDM आए, उनका केवल वक्तव्य आया कि यह घर खाली करो गिराओ, और कल के डेट में गिरा दिया गया। न कोई नोटिस, न कोई बात, न कोई चीज, हमारा घर ध्वस्त कर दिया गया, जबकि माननीय न्यायालय ने अभी तक मुकदमा विचाराधीन है। परसों SDM साहब आए थे तो आपसे बात हुई थी? जी नहीं, हमसे कोई बात नहीं हुई। वो बाहर खड़े थे ऊपर में, और ऊपर में खड़े होकर के बोले कि यह रेलवे की जमीन है और हिंडालको की जमीन है, इसको तत्काल खाली करो, यही कहते वो चले गए। शनिवार को टाइम दिए थे, शनिवार को यह घर गिरेगा, और कल के डेट में घर गिरा दिया गया। क्या बोले थे? सालों को सब गिरवा दो, तुम्हारा नहीं है, रेलवे का है, हिंडालको का है, ऐसे संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस ढंग से बात करे तो आदमी विश्वास किस पे करे, बस ये नहीं समझ में आ रहा। तो आपकी मांग क्या थी इसमें? आपका मांग क्या था, क्या कर रहे थे? हमारा मांग कुछ नहीं है, केंद्र सरकार का काम हो रहा है, हमें प्रसन्नता है, हमने अभी तक कोई अवरोध पैदा नहीं किया, हमारी भूमिधरी जमीन लिया जा रहा है, हमको मुआवजा दिया जाए, और कुछ नहीं। मुआवजा की ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, मुआवजा की बात करें मैं तैयार हूँ, आप हमारी भूमि ले रहे हैं, हमको मुआवजा दीजिए, बात खत्म। तो कोई अधिकारी कॉन्टेक्ट किया आपसे? किसी ने नहीं किया।
रेलवे का भी नहीं किया, राजस्व विभाग में नहीं किया, ना तो रेलवे का किया है और ना तो हमारे एसडीएम ना तो लेखपाल किसी ने नहीं किया। आपको क्या सूचना है साहब? आपको आज पता चला कि घर इनका गिर गया है, तो रेलवे वालों से जब बात किया एसडीएम साहब ने, तो उनको पता चला कि जो है ये स्वयं अपने हाथ से गिराए हैं और वो सब साधन मुहैया कराए हैं। तो हम सही जानकारी के लिए इनके पास आए कि भाई क्या सत्यता है, सत्यता की जानकारी हमें होनी चाहिए। सर से पूछ रहे हैं तो उन्होंने कहा आप हमसे मत बात करिए, यही बात कर रहे हैं क्या कहें भाई, ये तो टेंशन में है, क्या कह रहे हैं, नाराजगी की है। तो एसडीएम साहब भेजे हैं? हाँ एसडीएम साहब भेजे हैं, सूचना मिली तभी तो हम आए सर, लेकिन एसडीएम साहब का कहना था कि शनिवार तक का इनको टाइम था कि शनिवार तक खाली कर दें, तो ऐसे क्या जरूरत है? एसडीएम साहब शनिवार को क्यों खाली करने के लिए कहे? क्या एसडीएम साहब को यह ज्ञात था कि यह रेलवे का है या हिंडालको का है या भूमधरी जमीन है? या एसडीएम साहब ने पता करने की कोशिश की, हमसे कोई दस्तावेज मांगा? 18/7/2023 को 22 डाक द्वारा उनके यहाँ सारा साक्ष जमा है, अवलोकन करने का वो जरूरत नहीं समझे? आप हमसे दस्तावेज मांगे होते, मैं दस्तावेज पुनः आपको देता, मैं आपसे वार्तालाप करता, आपने वो उचित समझा नहीं। आपने उचित समझा कि यह घर गिरा है तो गिर गया, तो कोई अधिकारी बात नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। घर आप कहाँ रहते हैं? मैं नहीं रहता। तो आप घर गिरा तो आपके कहाँ थे सब? मैं घर गिरा तो मैं अपने घर में ही था, फिर रोकने के बाद तुरंत मैं एसडीएम को फोन लगाया, एसडीएम फोन नहीं था, तुरंत मैंने वीडियो बनाया एसपी महोदय, डीएम महोदय, लेखपाल जी को और एसडीएम महोदय सबको मैंने वीडियो बना के भेजा, लेकिन अभी तक कोई हमें सूचना नहीं दिया गया, ना तो कोई हमें जानकारी दी गई। हमारा पूरा परिवार इस समय बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, पूरे परिवार के साथ मैं आत्महत्या करने का मांग कर रहा हूँ कि हमें आत्महत्या करने की कम से कम जीने का अगर अधिकार नहीं दिया जा रहा है तो मरने का तो अधिकार दिया जाएगा, और कुछ नहीं। दो मांग है, या तो मुआवजा दिया जाए या तो आत्महत्या का आदेश दिया जाए, और ये एसडीएम देंगे जो हमारा घर गिरवा रहा है वो देंगे। नहीं यहाँ डीआरएम काम थोड़ी करवा रहे हैं, जो साइट इंचार्ज होंगे कुछ तो होंगे। आपके किसी बातों का मैं जवाब नहीं दे सकता, इसका मतलब किसी गरीब का घर गिरा दिया जाए और कोई जिम्मेदार ना हो? ये आप समझिए, उनसे पूछिए जिनका घर गिरा है वो क्या कह रहे हैं जिनका घर गिरा। हमको तो ले जाके दिखाए और तब हमको दिखा दिए, कहे की सहमति से गिरा रहा हूँ, अपनी सहमति से गिरा। सर आप सामान दिए हैं, गिराएगा वो इच्छा मित्र नहीं ना मांगेगा? क्या कर रहा है, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? बिल्कुल, तो आपका सहमति किससे मांगा किससे? वो सामान मौखिक मांगा था कि लिखित मांगा था? आप ही ने बोले हैं कि अपने से गिराए, हम सामान दिए, उसमें यही बात हुई है। एसडीएम साहब ने भी बताया कि आपने वो सामान मांगे थे, आपने सामान उपलब्ध कराया था, बता दें सर। अरे सर आप बता दें थोड़ा सा, तो अगले कभी आप ये बता दें सामान किससे मांगा, वो ऑथराइज कौन था? आप क्यों हमारे पीछे पड़े? तो सामान किससे मांगा ये तो बताएंगे, घर गिराने के लिए अपना पोकलैन जैसे भी नहीं मांगे? मैं इंटाइटल्ड नहीं हूँ इन बातों की। तो कौन है सर? हाँ? कौन है सर? आप इतना सब कुछ जानते हैं तो आप पता कीजिए कौन है। हम तो यहाँ साइड इंचार्ज कौन है? साइड इंचार्ज कौन है? साइड कौन देख रहा है? उससे क्या मतलब? तो आपको लेना है, बाइट लेना है, आप फोन कीजिए धनबाद में, वहाँ डीआरएम बैठते हैं, एडीआरएम में वहाँ पीआरओ होते हैं, वो सारी चीज़। तो सर गरीब आदमी का आप घर गिरा देंगे, उसको कहेंगे आप डीआरएम के यहाँ जाइए, आप धनबाद जाइए, लोग तो कैसे जाएगा? हाईकोर्ट में गया हुआ है।